रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में कटरा में हुए गोवंश की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद अब गोवंश की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गौ हत्या विरोधी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। कटरा में गौ हत्या के विरोध में हिंदू संगठन बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि 23 जुलाई को सुबह बछड़े की सिरकटी लाश मिलने से गांव में सन्नाटा फैल गया था। कुछ ही देर में पता चला कि बछड़ा गांव के ही बद्री साकेत का था, जो कि 7 माह का था। इसकी सूचना गढ़ थाने को दी गई, जहां मौके पर थाना प्रभारी राजकुमार गायकवाड़ अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शिकायत के आधार पर बाबूलाल साकेत और दधिवल साकेत को आरोपी बनाया, लेकिन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसके कारण आक्रोशित बजरंग सेना और हिंदू संगठन सदस्यों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में प्रदेश सह संगठन मंत्री आशीष कुमार तिवारी और अरगढ़ सेना के सदस्यों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। मामले में थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। जांच के दौरान बछड़ा किसी व्यक्ति पालक का है कि आवारा है? पालक का। इसका क्या नाम है मालूम? पालक का बद्री साकेत होता है। आरोपी कौन है? उसके नाम जब किए गए हैं कि गैर नाम जब? आरोपी नाम है। कौन कौन है उसमें? एक उनके उनके ही भतीजे लगते हैं, दधिवल साकेत है, एक बाबूलाल। उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक? उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर उनकी तलाश जारी, गिरफ्तारी के संभव प्रयास किए जा रहे हैं और संभवतः जल्दी जल्दी वैधानिक कार्रवाई। हिंदू संगठन की क्या मांग? बहुत बड़ा मामला है और हम सबके लिए, और उसमें आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनको अधिक कठोर से कठोर कार्रवाई। आरोपियों की तलाश की जा रही है।